अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं फूड किंग शेफ हम्माद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से। तो आज हम बनाने सिखाएंगे आपको टिक्का मिसाला। वैसे भी बकरीद आ रही है, ऐसे हो ही नहीं सकते कि कोई टिक्के नहीं बनाए। आप पहले से बना के रख लें, फिर इंजॉय करें बकरीद में। तो इसके लिए हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और यहाँ पास कुछ गरम मसाले, 4 फूले टुकड़े और ये 2 लौंगे, 3 छोटी इलायची और ये दालचीनी के टुकड़े 1 है और ये इलायची है बड़ी 2। और यहाँ पास धनिया है 2 टीस्पून, 2 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक। यही चीज़ें। और अब हम धनिया, जीरा और ये गरम मसाले इसे हम पीस लेंगे, और जो पाउडर फॉर्म में इसे नहीं पीसेंगे क्योंकि पीसे हुए। और इसे एक चॉपर या किसी ग्राइंडर वगैरह जो आपके पास मौजूद है उसे पीस लें। ये देखिए जीरा, धनिया और गरम मसाले ये हमने इसके अंदर डाल दिया और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए गरम मसाला हमारा पीस चुका है, इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक, पेपरी पाउडर और ये लाल मिर्च। अगर आपके पास पेपरी पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों की, आप ज़रूर बनाइएगा। इधर से हमारा होममेड टिक्का मसाला रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर बनाएगा बकरीद पे। अगर आपको ये होममेड टिक्का मसाले की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ 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 वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो और रेसिपी सबसे पहले आपको पहुँचेगी। और मेरे